अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मक्का शरीफ के बारे में। मक्का में इस बार ये किस तरह से हो रही है रमजान की तैयारी। दोस्तों वीडियो बहुत ही खूबसूरत है तो वीडियो देख के दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर मोमिन भाई और बहनों को ये बात मालूम चले। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों दिन गुजरने के साथ साथ अब रमज़ान का पाक महीना करीब आ चुका है और अब महज चंद दिन ही बचे हैं जब हर तरफ रमज़ान का नूर बरसने लगेगा। हालांकि अभी से रमज़ान की रौनक शाम में दिखनी शुरू हो गई है और इसे लेकर लोगों ने तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच हर किसी के जहन में एक बार ज़रूर यह आया होगा कि आखिरकार मुसलमानों के सबसे पाक शहर मक्का मदीना में किस तरह की तैयारी होती होगी रमज़ान को लेकर। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए हर साल सऊदी हुकूमत की तरफ से आदेश जारी किया जाता है और इस साल में भी वह आदेश जारी किया जा चुका है। और इस आदेश के जारी होने के साथ साथ अब वहाँ पर मस्जिदों की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। यह काम सुचारू रूप से चलता रहेगा इसलिए हुकूमत की तरफ से लगातार इस पर नज़र बनी रहती है ताकि किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो जाए। हालांकि आमतौर पर यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि रमज़ान के महीने से हज का वक्त करीब रहता है, वहीं इससे पहले उमराह करने वाले लोगों का भी सिलसिला भी बढ़ता रहता है। आपको बता दें कि जैसे कि बताया जा रहा है कि हाल में करीब 7 लाख से करीब लोग उमराह के लिए पहुँच चुके हैं। बहरहाल बात अगर रमज़ान शरीफ की जाए तो इस मौके पर यहाँ आए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है क्योंकि यहाँ की हर छोटी बड़ी मस्जिद में रोज़ा इफ्तार का माहौल इंतज़ाम किया जाता है। सऊदी हुकूमत के साथ साथ वहाँ के आम सऊदी भी इस बात का ख्याल रखते हैं और अपनी तरफ से मस्जिदों में इंतज़ाम करवा देती हैं ताकि रमज़ान के मौके पर किसी को परेशान होना ना पड़े और वह लोग इस दौरान इबादत कर सके। खुदा ने सऊदी अरब को इतना नवाजा है कि हर साल वह करोड़ों बाहरी लोगों को वहाँ आने और रहने खाने का इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों हर अच्छी बात और हदीस आपके पास अमानत होती है और अमानत को जितना जल्दी हो सके दूसरों तक पहुंचा देना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन बातों को सुनकर सिर्फ अपने तक ही ना रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। वह इस बात पर भी अमल करेंगे और अल्लाह पाक उन्हें तौफीक देंगे कि वह इस अमानत को और लोगों तक पहुँचाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।